वेलकम स्टूडेंट, जो आपको मैंने पहला क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया था माइक्रोवेल इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर, और सेकेंड जो क्वेश्चन पेपर है हमारा और जो सेकेंड एग्ज़ाम जो होगा वो फंडामेंटल ऑफ एमएलटी पे रहेगा। और पहला उसका क्वेश्चन है गिव द यूजेस ऑफ डिस्टिलेशन प्लांट। तो डिस्टिलेशन प्लांट के बारे में जितने भी डिटेल्स में 10 पॉइंट दिए हुए, आपको पूरे के पूरे 10 पॉइंट को लिखना है। और एक से दो लाइन का इसमें जस्ट डेफिनेशन है जो आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे फंडामेंटल ऑफ एमएलटी के, जिसमें से आपको 5 तो लिखना ही है। राइट द प्रोसीजर ऑफ ब्लड कलेक्शन विथ इट्स रिक्वायरमेंट। तो ब्लड कैसे लेते हैं वो हमें मालूम है, और ब्लड लेने के लिए हमें क्या चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है वो भी हमें मालूम है, बट एक प्रॉपर मैनर में उसको लिखना है ताकि वो हम एक एग्ज़ाम दे रहे, बल्कि हमारे ओन लैंग्वेज में इसे नहीं एक्सप्लेन करना है। तो जो प्रोफेशनल तरीका है वो ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स, नीडल्स एंड सिरिंज, ब्लड कलेक्शन सेट, लैबरिंग बारकोड सिस्टम। और जो लैबरिंग एंड बारकोड सिस्टम है ये हायर ऑटोमेटेशन लैब पर चलते हैं। और फ्रिबोटोमी चेयर्स एंड टूनिकेट्स ये बेसिक है, आप क्लिनिकल या एक स्टैंडर्ड दोनों जगह पे भी ये कॉमन है। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट कंटेनर ये दोनों भी जगह पे कॉमन है, लोकल एरिया क्लिनिकल लैब्स में भी और स्टैंडर्ड्स लैब में भी। रिफ्रिजरेशन एंड फ्रीजर यूनिट्स ये भी हमें नीड रहता है क्लिनिकल और स्टैंडर्ड दोनों जगह पे। ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, अभी देखो ये ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम क्या है, फ्रिबोटोमिस्ट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट एंड ऑनगोइंग ट्रेनिंग फॉर प्रोफेशनल, मीन जैसे कि हम जो कोर्सेस करते हैं उसी कोर्सेज को। फ्रिबोटोमिस्ट क्या होता है, एक तरीके का जो ब्लड जो लेता है, जो ब्लड कलेक्शन करता है उसको हम फ्रिबोटोमिस्ट बोलते हैं। एंड कंप्लाइंस विद सेफ्टी रेगुलेशन, जो हम अपना एक पेपर वर्क करवाते हैं परमिशन लेते हैं वो हो गया। क्वालिटी कंट्रोल एंड इंश्योरेंस, कीप रिकॉर्डिंग कीपिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन जो भी है हमारा, जैसे पेशेंट का एंट्री, डॉक्टर्स का एंट्री, ये सारी चीज़ों को मेंटेन जो करते वो हो गया हमारा। इन्वायरमेंट कंसिडरेशन, और हमें हमारे नीडल सिरिंज और ब्लड्स यूरिन जो भी सैंपल है उसे हमें इन्वायरमेंट में स्प्रेड नहीं करना है, इधर उधर कहीं फेंकना नहीं है, इस रिगार्डिंग ये पॉइंट आपको मेंशन करना रहेगा। देन थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फ़र्क क्या है, तो जैसे पहला सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप में डिज़ाइन, मैग्नीफिकेशन, एप्लीकेशन, फील्ड ऑफ व्यू, लिमिटेशन, ये 5 पॉइंट आपको कवर करना है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डिज़ाइन, मैग्नीफिकेशन, एप्लीकेशन, रिजोल्यूशन, कॉम्प्लेक्सिटी, लाइट सोर्स, ये 6 पॉइंट आपको कवर करना है। सिंपल और कंपाउंड मतलब क्या, हम सिंपल को बोल सकते हैं जो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के चलता है, और कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉनिक्स पे चलता है जिसमें हमें काफ़ी मल्टीपल रेंज के व्यूज के लिए मैग्नीफिकेशन मिल जाते हैं, और सिंपल वाले में थोड़ा कम रहता है, कंपाउंड के मुकाबले काफ़ी कम रहता है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सेंट्रीफ्यूग मशीन एंड इट्स एप्लीकेशन। अब देखो शॉर्ट नोट बोला तो और सेंट्रीफ्यूज मशीन इन लेबोरेटरी और इंडस्ट्रियल डिवाइस से लेकर एनालाइज सब्सटेंस एफिशिएंटली लिखना है। और एप्लीकेशन में आपको एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूज मशीन में आपको पूरा डिटेल्स में लिखना है, जिसमें आपको अगर सिर्फ आपने क्लिनिकल एंड मेडिकल लेबोरेटरीज, बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, सिर्फ ये भी पॉइंट आप मेंशन कर दोगे तो भी चलेगा, अगर आप लिखते हो पूरा डिटेल में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन मार्क्स तो आपको मिलने ही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन अबाउट फिजिकल एंड केमिकल बैलेंस। अब फिजिकल और केमिकल बैलेंस हमारे पैथोलॉजी में होता क्या है, उसके लिए फिजिकल बैलेंस इन पैथोलॉजी आपको एक अलग पैरा से लिखना है, और केमिकल बैलेंस इन पैथोलॉजी एक आपको अलग पैरा से लिखना है। और मैं अभी इस वीडियो में भी आपको बोलता हूँ पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको एक सेपरेट वीडियो के फॉर्म में मिलेगा, जिसमें सिर्फ एक वीडियो में सिर्फ एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हुआ रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव द टाइप्स ऑफ सिरिंज यूज फॉर ब्लड कलेक्शन। अब कैसे कैसे टाइप्स के सिरिंज होते हैं और कैसे कैसे कलेक्शन को लिए जाते हैं वो आपको इसमें पूरा लिखना है। आप इसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिल सकता कि इतना छोड़ दो उतना छोड़ दो, आपको पूरा 6 का 6 सिरिंज के टाइप से पूरा आपको लिखना है, क्योंकि छोटा सा है। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर लेना, और जो भी मैंने अभी बोला कि सिंगल क्वेश्चन वाइज एक्सप्लेनेशन आपको सेपरेट वीडियोस के ही फॉर्म में मिलेगा, और इसमें मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आंसर भी इसमें दिए हुए हैं, आपको आपके नोट्स में डाउन करना है, लिखना है, और जितना मैंने अभी बोला कि एग्ज़ाम में आपको इतना सिर्फ ये लिखना है, सिर्फ आपको उतना ही लिखना है, उसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। ठीक है, हम अब आपको जो बाकी के 5 क्वेश्चन पेपर और है उसके भी फॉर्मेट इस तरीके से अपडेट कर देंगे।